goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get. ओ भाई साहब 140 तो यार हरा नहीं पाई गाड़ी। तो यार जरा गलत आ गए थे हैं। यार V3 की स्टॉक आवाज़ भी अच्छी आती है, जब इसको थोड़ा हाई मतलब हाई RPM पे चलाओ तब भाई सही साउंड करती है। ये लोगों को लगता है कि साइलेंट है, जैसे KTM भी अगर नॉर्मल चलाओ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ BS3 या BS4 की, तो भाई वो ऑटो ऐसी आवाज़ करती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा स्ट्रेच दोगे मतलब थोड़ा खींचोगे ना जब बजाएगा मज़ा। अरे हॉर्स राइडिंग चल रही है भाई सुबह सुबह, एकदम एक नंबर। अरे यार भाई अब तो नींद आने लग गई यार, डिस्कशन चल रहा है जरा। वो पहुंच गया भाई, फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव। भाई हम तो फास्ट ड्राइव करते हुए हैं, अब तो हमको गाड़ी नहीं मिलेगी क्या भाई? इसके बाद लास्ट राइड थी हमारी क्या मतलब? भाई इससे पहले तो मैं इंदौर भी गया था भाई, वहां भी मैंने फास्ट राइड करी थी। ये क्या हो गया भाई गाड़ी में? गांधीनगर टायर में तो नहीं अड़ रही। अबे नहीं नहीं वहां से थोड़ी, अबे ये पास क्यों? वही तो कह रहा हूँ क्या सेक्सी लगती है यार ऐसी खड़ी हुई, मतलब अच्छी लगती है। चलती गाड़ी में कर रही। देखना और पैर मार के देखना, चेन ढीली है, नीचे से पैर मार उस पे हल्का सा। अरे तू पैर लगा हल्का सा, देख चेन ढीली है क्या? हाँ मार ऊपर का टच, चेन ढीली है बहुत ज्यादा। तो यार ये खड़ी गाड़ी क्या तो लगती है लेकिन दूर से। भाई की गाड़ी में जरा थोड़े ट्रस्ट इशूज आ गए थे गाड़ी गाड़ी के साथ, नहीं गाड़ी है ना भाई तो ट्रस्ट इशूज आते रहते हैं। तो क्या पता आज क्या हो रहा है, बार बार यार कैमरा एंगल बिगड़ जा रहा है, लगता है मेरे कैमरा एंगल के साथ मेरे ट्रस्ट इश्यूज आ गए। अरे भाई रास्ता ही नहीं पता किसी को यार, एक आध को तो मालूम होना चाहिए था। अलग नाटक है यार भाई। ओए रास्ता है ना, हाँ बता भाई। ओए नीचे से रास्ता है ना, नीचे से है ना, देख तो। ये देखो भाई ट्रक पे टैंक खड़े हुए हैं। लेकिन भाई मजा आ गया यार भाई, कम से कम भाई हम लोग जो हाईवे पे गए गाड़ी 140 तो टच कर दी कम से कम, बहुत टाइम बाद 140 टच करी यार भाई। इसके पहले मैं गया था ना जब भाई वहाँ, तो भाई जब मैं इंदौर आई भी गया था तब मैंने वहाँ टच करी थी भाई 149 गई थी भाई यही R15 V3। हाँ भाई ये 149 टच करी थी मैंने और चली जाती, लेकिन भाई वही यार रोड ख़राब थी आगे तो। एक बुलेट वाले भाई पहुँच चुके हैं, उनको रास्ता था चाहिए रहा भाई। अनुराग मैं ले लूंगा तुम लोग से ही। तो भाई कह रहे हैं यार कर्फ्यू लग गया है भोपाल में, पुलिस वाले मना करके गए हैं।
भाई पुलिस वाले ने मजे तो नहीं ले लिए भाई के। भाई कहते कि धारा 100 क्या कौन सी धारा बोल रहे थे। अरे भाई कुत्ते पड़ गए पीछे ही। भाई मेरे में साउंड नहीं, मेरे भी जात बना है। JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. क्या पता यार भाई को कौन से पुलिस वालों ने बोला समझ में नहीं आया। भाई कहते कि यार वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन के खड़े हुए थे, तो उनने कहा कि बेटा कहाँ से हो, तो वो भाई कहते मैंने कहा कोलार, तो भाई से कहते बेटा घर निकल जाओ। शायद मजे ले लिए भाई के पुलिस वालों ने, भीड़ तो है। Would still have a room for more, 'cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole, though you might get me through the night. But it won't. तो भाई अपन आ चुके हैं हॉर्नेट पे। साउंड सुनो भाई इसका। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more, 'cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole, though you might get me through. But it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black hole for your love. 'Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black hole for your love. तो भाई निकलने का टाइम हो गया अब। बढ़िया रही राइड। भाई स्पीड तो अच्छी है यार गाड़ी की। अरे डीजे भी बज रहा है भाई। भाई साउंड तो सही है यार। तो भाई चला रहे हैं अपनी R5 V3। पब्लिक रिएक्शन भाई, थर्ड गियर के लिए रोड नहीं मिल रही यार।
97 98 चली जा रही है यार। तो यार वाइब्रेशन तो सीट पे आ रहे हैं, कंफर्ट सही है गाड़ी का। तो बहुत पुरानी गाड़ी है भाई, थर्ड गियर के लिए रोड नहीं मिल रही यार। अच्छी रोड मिले तो अपन थर्ड गियर भी टेस्ट कर लें इसका यार। बाकी स्पीड तो अच्छी है भाई इसकी, बस पिकअप में थोड़ी सी कमी है इसलिए गाड़ी पीछे रह जाती है। अब वेट करते हैं उन लोग का कि कहाँ है भाई वो लोग। बाकी यार कॉर्नरिंग पे मेरे को लग रहा है टायर स्किट मारेंगे थोड़े से, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतना। जी कह रहे हैं इसमें कर्फ्यू लग गया भाई शायद। तो यार गियर अटक रहे हैं इसके थोड़े से, गियर उतने प्यारे नहीं पड़ रहे हैं। क्या पता शायद चेन में दिक्कत है या फिर क्या चेन लूप नहीं हुआ है, अपने को आइडिया नहीं है इस बारे में, देखनी पड़ेगी इस मामले में अपने को। तो यार भाई हंस भाई को हंडरिंग करता हूँ अपनी गाड़ी से। भाई मैं बोलते रहूँ भाई V3 पे भाई अलग ही कॉन्फिडेंस आता है भाई, जिस बंदे को आती नहीं हुई कॉर्नरिंग में वो भी ट्राई करेगा कॉर्नर मारने का। तो शॉक ऑफ भी सही है भाई इसके। एक सौ चार जा रही है तीसरे गियर पे। हाँ और भी पीछे है तो और भी भाई, वो मतलब जाती है। अब इसका रेड लाइन के पूरा आखिर तक जा रही है भाई, एलिमेटर पे रुक नहीं रही। ये लोग कहाँ है भाई, कोई नहीं जा रही 200 सीसी में, कोई नहीं जा रहा। पाँच ही गियर है ना इसमें खाली। अब चौथे गियर पे 115 भाई। हाँ भाई ये लोग कहाँ रह गए भाई, ये आ गए वही ना आरपीएम। गाड़ी के वगैरह पता क्या दिक्कत हो रही है गाड़ी में, पिकअप नहीं आ रहा भाई इतना प्यारा। तो चलेंगे आराम आराम से। तो अपन आ चुके हैं अपनी गाड़ी पे वापस। यार R5 की पावर तो अलग ही है भाई। भाई मेरे लिए तो मुझे तो यार ये बेस्ट गाड़ी लगती है R5 भाई।
चल बाय बाय अंश। ये देखो भाई छपरी राइडर, गाड़ियों का नाम बदनाम कर देते हैं भाई, हर जगह पुलिस खड़ी हुई है भाई। भाई अलग ही पावर है भाई, भाई हॉर्नेट के बाद इसको चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है क्या पता कितनी पावर आ गई मेरी गाड़ी में। हॉर्नेट में वो शायद क्या क्लच प्लेट गई थी उसकी, तो इसलिए शायद गाड़ी का पिकअप भी नहीं दे रही थी गियर चेंज करने पे ठीक से। लेकिन भाई गियर रेशियोस तो भाई सही तगड़े थे भाई गाड़ी के। आज निकले हम लोग भाई और पता चला कि भाई कर्फ्यू लग रहा है, हमने कहा भाई साहब घर कैसे जाएंगे। भाई भीड़ देख रहा हो आप, तो ये देखो ये सब चालू कर दिए भाई फाउंटेन, आज तक मैंने देखे नहीं, मैं इतने टाइम हो गया मुझे भोपाल में इनको ऑन नहीं देखा भाई, और आज सब ऑन कर दिए। अलग लोड है भाई लोड। तो यार मैंने कहा था कि सेकंड सर्विस का टाइम आ गया, लेकिन भाई मेरे को लगा था 3000 रुपये होगी सर्विस, लेकिन भाई 5000 रुपये होगी यार। अभी तो अपनी गाड़ी चली कितनी है भाई, कितनी चली है देख लेते हैं एक बार। तो यार 3153 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो ठीक है गाइस, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और शेयर आप कर देना वीडियोस मेरी वीडियो, और चैनल भी आप कर ही देना और चैनल भी आप एक बार शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए ठीक है गाइस, बाय बाय।